नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 की बढ़त। शेफाली स्मृति के बीच 91 रन की पार्टनरशिप। भारतीय विमेंस टीम ने शेफाली वर्मा तथा स्मृति मधाना की 91 रन की साझेदारी की बदौलत सिलहट में तीसरे T20 मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने 3-0 की बढ़त बना ली है और सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया है। शेफाली ने 51 और स्मृति ने 47 रन की पारी खेली। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन का लक्ष्य दिया था। भारत ने 121 रन बनाकर मैच जीता। टॉस जीतकर भारत ने फील्डिंग चुनी। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। भारतीय गेंदबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए 6.3 ओवर में बांग्लादेश को 46 रन के स्कोर पर पहला झटका दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने 55 रन पर दूसरा और 85 के स्कोर पर तीसरा और चौथा विकेट लेकर बांग्लादेश को बड़ा स्कोर करने से रोक दिया। बांग्लादेश की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 117 रन ही बना सकी। बांग्लादेश के लिए सलामी बल्लेबाज दिलारा अख्तर ने 27 गेंदों पर 39 रन और कप्तान निगार सुल्ताना ने 28 रनों की पारी खेली। भारत के लिए राधा यादव ने 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए, जबकि रेणुका सिंह, पूजा वस्त्राकार और श्रेयांका पाटिल ने 1-1 विकेट लिए। 118 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को शेफाली और स्मृति मधाना ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में बिना कोई विकेट गवाए 59 रन जोड़े। दोनों ने पहले विकेट के लिए 12.1 ओवर में 91 रन की साझेदारी की। शेफाली ने 38 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 51 रन बना, जबकि स्मृति सदाना ने 42 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का की मदद से 47 रनों की पारी खेली। शेफाली को उनके प्रदर्शन के लिए प्ले ऑफ द मैच चुना गया। दोनों टीमों के बीच 6 मई को सीरीज का चौथा T20 मैच सिलहट में ही खेला जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।